नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। सियासत में निष्ठाएं बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सत्ता की चाह में फिलहाल सियासी दलों के बदलते सरोकार देखने को मिल रहे हैं। चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, किसी ने सत्ता की चाहत में अपने पुराने सियासी सरोकारों से मुंह मोड़ लिया है, या यूं कहें कि समर्थक एक दायरे में ही ना सिमटे, लिहाजा नया पैतरा अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर वो रहे और ऐसे में उन्होंने सुबह सिद्धार्थनगर को पहुंचे, जहां करीब 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात उन्होंने दी। पीएम के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से देश के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कर दी। इसके साथ ही 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधान चुनाव के मद्देनजर अपने 7 वादे सार्वजनिक करने के कुछ दिन बाद सोमवार को ऐलान किया कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर लोगों का किसी भी बीमारी का 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। प्रियंका ने एक ट्वीट में कहा कि सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा, 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान और उस वक्त राज्य में जगह से आ रही बुखार फैलने की खबरों को लेकर भी सरकारी व्यवस्थाओं पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि कोरोना काल में अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत बनी सबने देखी थी। ऐसे में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए तो वो भी अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के अयोध्या आगमन को लेकर सड़क किनारे जगह जगह पर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। जहां पहले सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स पर कुछ अराजक तत्वों ने गोबर स्याही फेंक दी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी मीटिंग में अयोध्या पहुंचने वाले थे। ऐसे में बीते दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के साथ ही संतों से आशीर्वाद भी लिया। अयोध्या आगमन को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। वहीं मंदिर मूर्तियों के शहर में केजरीवाल के आगमन को लेकर संतों ने भी खरी खरी सुनाई है। संत समाज ने केजरीवाल के एक्सीडेंटल हिंदू बताते हुए कहा कि चुनाव के समय ये मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी राम मंदिर का विरोध कर रहे, वहां पर अस्पताल बनाए जाने की मांग कर रहे थे। अयोध्या के संतों ने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक प्रेरित हिंदू बताते हुए कालनेमी की संज्ञा भी दी है। वहीं आपको बता दें कि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव ने महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को खूब आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि आय दुगनी का दावा करने वाले लोगों ने आज महंगाई दुगनी कर दी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लगातार चीजों को बेचा जा रहा है और बीजेपी ने एयरपोर्ट, हवाई जहाज, पोर्ट, रेलवे स्टेशन की जमीन सब कुछ बेच कर रख दिया है। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन किए गए थे, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज यूपी का नौजवान जानना चाहता है कि इन कार्यक्रमों के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला। अखिलेश ने पूछा कि नौकरी, रोजगार और महंगाई कम करने के जो सपने दिखाए गए थे वो आखिर कहाँ हैं। तो ऐसे में यूपी में मिशन 2022 का पूरी तरह से आगाज हो गया है। सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे में तमाम वादे समेत जनता से किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस महिलाओं को लेकर ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं के लिए हम छात्राओं को जो है वो स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि बीजेपी भी अब अगले महीने फ्री में लैपटॉप और टैबलेट भी बांटेगी। तो ऐसे में पूरी तरह से जो जनता से वादे किए जा रहे हैं, अगर
आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो उधर उनकी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा ना तो नारा दिया गया है ना ही कोई चुनावी वादे किए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतरती हुई नजर आएगी। लेकिन इस समय बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर सौगातें दे रहे हैं। आज भी सिद्धार्थनगर और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी थी। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार विकास की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि हमारी सरकार में ही विकास किया गया है, लेकिन वहीं विपक्ष सरकार को इन सब पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यूपी में पूरी तरह से माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीने का वक्त ही बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं, वादे किए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन ये वादे और दावे जनता किस कर वादे और दावों पर भरोसा जताती है, ये तो विधानसभा चुनाव में ही नजर आएगा, पता चलेगा कि जब सरकार किसकी बनेगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो, हर वादे को लेकर क्या कुछ कहना है उनका और किस तरह से आगे चुनावी मैदान में नजर आएंगे, इसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता विजय खेरा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। विजय खेरा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी, लगातार प्रधानमंत्री खुद यूपी में मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं यूपी का, सिद्धार्थनगर गए वो और ऐसे में वाराणसी वो पहुंचे, सौगातें दी जा रही हैं पूरे यूपी को। लगातार पूर्वांचल पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, जब पहले से ही बीजेपी की वहां पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, फिर भी पूर्वांचल ही क्यों चुना गया सबसे पहले? चलिए, शायद विजय खेरा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भूदेव जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है, नई नई सौगातें जिलों को दे रही है, पूरे यूपी को जनता को सौगातें दी जा रही है। ऐसे में आज प्रियंका गांधी ने भी ऐलान किया है कि अगर 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख तक का जो इलाज होगा वो मुफ्त देंगे जनता को। जी काजल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पार्टियाँ थीं, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो या बसपा हो, इन्होंने एक माहौल पैदा किया था कि कांग्रेस तो कहीं उत्तर प्रदेश में है ही नहीं जी। लेकिन आज बड़ी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज मीडिया भी मान रही है और आज ये पार्टियाँ भी जिससे डर रही हैं वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो लोगों का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है वो सारी जनता देख रही है। और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाने में विफल रहे हैं, तो ये खामियाजा इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा और एक बार फिर जनता का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है। क्योंकि कोरोना काल से लेकर के और अब तक या उससे पहले भी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही है जो वहां के उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात करती रही है। वहां का युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसको रोजगार चाहिए, उसके अधिकारों की जो बात करती है वो कांग्रेस पार्टी करती है। वहां किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों को जो सत्ताधारी पार्टी तानाशाही शासकों के द्वारा गाड़ियों से कुचला जा रहा है, जी भूदेव जी आप अपनी बात करिएगा पूरी, लेकिन जिस तरह से बार बार प्रियंका गांधी की तरफ से फ्री चीजें देने का वादा किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की जो नीति है वही कांग्रेस अब अपना रही है? भूदेव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, देखिए आप, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की कोई नीति अपना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लोग, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। क्योंकि देखिए, कोरोना काल में जिस प्रकार लोगों की आय घटी है, जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों की आय घटी है, लोगों के पास आज भूखा मरने के अलावा कोई साधन नहीं रह गया है।
क्योंकि हम भुखमरी में भी अब 101वें स्थान पर पहुंच गए। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां थी उनके कारण आज लोगों के पास न तो कमाने के लिए कोई धंधा है। तो ऐसे में सरकार का दायित्व तो बनता है कि लोगों की मदद की जाए। जहां आज लोगों को इंटरनेट से पढ़ने की जरूरत है तो उनके पास लैपटॉप और मोबाइल भी होने चाहिए। उनके इलाज के लिए जो खर्चा है वो सरकार कोरोना में नहीं दे पाई, गंगा में लाशें बहती हुई दिखाई दे रही थी, तो उनके इलाज की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्री दिया जा रहा है, क्योंकि आज जरूरत है और अगर जरूरत पूरी नहीं कर सकती सरकार है तो फिर उनका सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वादे किए गए हैं। आज वहां की जनता को चिकित्सा की जरूरत है, वहां की जनता को स्कूलों की जरूरत है, वहां की जनता को बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत है, वहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, प्रशासन और शासन के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां की बेटियों को रात को 12 बजे जला दिया जाता है, तो उनके अधिकार के लिए बेटियों को भी अधिकार दिलाने की बात की जा रही है, उनको भी सरकार में सबसे अधिक आगे आए जिससे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, तो वो सारे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस बार सरकार बन रही है, इसीलिए सारी पार्टियां बौखलाई हुई है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को 50 साल 60 साल पीछे ले गए थे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को अब लगने लगा है कि हम इनकी बातों में आकर के जिस प्रकार के ध्रुवीकरण की राजनीति जो पार्टियां करती रही थी, अब लोग जागरूक हो गए हैं। जिस इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वो लोग अब समझ चुके हैं। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। और ये जो पार्टियां चाहे झूठे वादे कर रहे थे, उन्होंने जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, ये देंगे, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ। भूदेव जी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे थे कि कोरोना काल में नहीं स्वास्थ्य सेवाएं मिली। आज ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 9 मेडिकल कॉलेजों की जो है उद्घाटन किया गया है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि पहले की जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से वांछित रखा है। तो 5 साल से किसकी सरकार थी, कोरोना काल में किसकी सरकार थी? आप लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पाए, आप केवल देश के सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने में, उनको बेचने में लगे रहे, अपने प्रचार में लगे हुए थे। आप ये देखिए, नहीं हाल पहले काजल जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, काजल जी पूरी पूरी देश का था, सिर्फ यूपी इकलौता ऐसा राज्य नहीं था कि जहां पर लोगों को परेशानी हुई हो। तो पूरे देश में सरकार किसकी थी? मोदी जी की सरकार नहीं थी, अब भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी क्या बीजेपी की सरकार थी? क्या पंजाब में भी बीजेपी की सरकार थी? केंद्र सरकार राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, इस बात पे हम पहले कई बार डिबेट कर चुके हैं। और केंद्र सरकार खड़ी होकर के संसद में ये बात बोलती है कि कोरोना से किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु नहीं हुई है, तो ये शर्म की बात है। ये सारा देश देख रहा है कि आप इतने सालों में कुछ नहीं दे पाए और सारा ढीकड़ा तुम हमेशा ही पुरानी सरकारों पर फोड़ते रहे हो, तो आप सरकार क्यों चला रहे हो? आप छोड़िए, किसी दूसरे को चलाने दीजिए। कब तक दूसरी सरकारों के ऊपर आप ठीकरा फोड़ते रहोगे? आखिर कभी तो आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि आप सरकार चलाने में विफल रहे हैं। वहां के जिलों के, वहां की जगहों के नाम बदलने से लोगों का विकास नहीं होगा। वहां के किसानों को वहां का अधिकार दो, वहां के मजदूरों को, वहां के बेरोजगार युवाओं को अधिकार दीजिए। अगर आप सरकार में है, अगर आप, इसका मतलब आप सरकार चलाने में विफल है, इसीलिए आप दूसरे पे, जब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी रख देता है, आरोप का, उसकी वजह से मैं फेल हो गया। सेम काम ये सरकार कर रही है। और रही बात हॉस्पिटल और एयरपोर्ट बनाने की, तो काजल जी मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरा देश अब जान गया है कि सरकारी संपत्ति से, देश के गरीब लोगों के पैसे से ये हॉस्पिटल, काजल जी एक मिनट सुनिए, हॉस्पिटल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जिनको आप अडानी और अंबानी को बेचोगे। भूदेव जी ठीक है, आपके पास आऊंगी। और मैं पारुल हूँ, आज काजोल डिबेट नहीं कर रही है। और चलिए विजय खेरा जी पर जाएंगे हम। विजय खेरा जी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यूपी की कमान संभाल ली गई है, मोर्चा संभाल लिया गया है, तो ऐसे में पूर्वांचल सबसे पहले क्यों चुना गया है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि देखिए, सबसे मजबूत माना जाता है पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ को, फिर भी पूर्वांचल पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो अगर बुंदेलखंड चुनते तब भी यही सवाल उठता, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनते तो भी सवाल उठता, किसान की वजह से शुरू हो रहा है,
कहीं ना कहीं तो होना ही था, तो पूर्वांचल का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है और जहाँ जहाँ ज्यादा पिछड़ापन है, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य की ज्यादा समस्या है, वहाँ पहले ध्यान दिया गया है। सबसे तो बड़ी बात यही है। दूसरी बात, मेडिकल मेडिकल कॉलेज अकेले खुलने की बात नहीं है। सवाल ये था कि किस तरह लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे। सबसे बड़ी समस्या जो 60 साल में थी वो ये थी कि गरीब लोगों को अगर दिल का वॉल बदलवाना हो, पैसे नहीं हो, तो सिर्फ एक ही आसरा था, प्रधानमंत्री कोष से सहायता। और ये सहायता मिलने में साल साल दोनों साल लग जाते थे। मैंने खुद बुंदेलखंड में, रूमेटिक हार्ट बड़ा कॉमन डिजीज है, तो गरीबों के लिए जब हम पीएम के यहाँ कई कई महीनों साल साल अगर लिखते थे तब 10-15 हज़ार रुपया मिलता था, लोग मर जाते थे। आज वो बात दूर हो गई है। सारे असाध्य बीमार लोगों के लिए आज 5 लाख रुपया मिल रहा है और लाखों को उनको मिल चुका, सबको ठीक हो गया, अपने घर पहुंच गया। इसमें ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, हर तरह के लोगों को मिल रहा है। ये मेडिकल कॉलेज खोलना और नर्सिंग कॉलेज खोलना, ये जो 10-15, 50 साल, 25 साल पहले खुलना चाहिए थे, नहीं खुले, अब खोल के हम हर जगह स्वास्थ्य सेवा पहुँचाएंगे। दूसरा, अभी अखिलेश यादव ने कहा, भी कह रहे थे कि हम बेच रहे हैं जी। अरे आपने खा डाले, की तरह सड़ा डाले हैं, 7-8 हज़ार करोड़ प्रति माह का नुकसान उठा रहा एयर इंडिया, प्रति माह जनता के ऊपर सफेद हाथी की तरह लूट रहे हैं। ये बेस्ट अड्डे बंद नहीं करें क्या? चलने दें इनकी ऐसो आराम के लिए। जिस तरह इन्होंने होटल खोले थे, अशोका होटल लॉस में, लोधी होटल लॉस में, सारे ओपन, और उन्होंने खुद लॉस होने के कारण साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद किया, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बंद किया, उसका सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की दुर्दशा देख लो, वो भी बंद के कगार पे हो चुका। एलआईसी घाटे में थी क्या विजय जी? एलआईसी धंधे पानी का काम नहीं है जी, विजय जी आप नहीं रहे हो। जयपुर एयरपोर्ट घाटे में था, जयपुर एयरपोर्ट घाटे में था, जिसमें 400 करोड़ रुपए आप लगा करके और अडानी को बेच रहे हो। आप जवाब दीजिएगा, आपके पास आऊंगी। कांग्रेसियों के नाम पर इससे बड़ा कलंक कोई नहीं है। सबसे बड़ा कलंक है भ्रष्ट अड्डों के ऊपर ऐसो आराम करना, वहां पर रुकना, जनता के पैसे को बर्बाद करना, हजारों नहीं, कलंक भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कलंक क्या है जिसने देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? आपने गरीबों का शोषण किया, आपने बेरोजगार युवाओं का शोषण किया, आपने मजदूरों का शोषण किया, आपने किसानों का शोषण किया। आज किसान अपनी फसलों को आग लगाने के लिए मजबूर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान अपनी धान की फसल में आग लगा रहे हैं, अपनी मेहनत में आग लगा रहे हैं, शर्म की बात है। आप लोगों को डूब मरना चाहिए। या इनसे बोले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बोल दें, या थोड़ी देर चुप रहिए आप। भूदेव जी एक बार सुन लीजिए, भूदेव जी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, किसी की बात समझ नहीं आएगी ऐसे। विजय जी आप बोलिए। नहीं तो ये जनता को गुमराह, झूठ बोल करके जनता को गुमराह ना करें, जो बात है सत्यता के साथ रखें। विजय जी अरे इसीलिए कर रहे हैं ताकि किसी की बात समझ नहीं आए, इनका गोलमाल चलता रहे। भूदेव जी अब आपने अभी अड्डों समय दे दीजिए थोड़ा सा विजय जी को। सरकारी उपक्रम हमको इसीलिए बंद करना पड़े क्योंकि भ्रष्टता के अड्डे थे। हम आपको बता रहे अभी तक ये लोग देखो अड़े हुए हैं, 10 हज़ार करोड़ रुपया प्रति माह का लॉस, और ये अड़े हुए कह रहे बेच डाले, चलाए उनको, हम जनता का खून पसीना चूस डाल के अड्डों को चलाए? हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हम दूसरी बात है, अभी आप किसान बिल की बात कर रहे थे, वो भी सुन लीजिएगा। 60 साल में किसान को बेघर कर दिया, बेकपड़े कर दिया, नंगे बदन कर दिया। 5 एकड़ जमीन किसान के पास थी, 1 एकड़ रह गई, आधी एकड़ रह गई, साहूकार उसकी जमीनें खा गए, क्योंकि बाढ़ आती है, कभी पाला पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती है, उनको गिरवी रखना पड़ती है बच्चों के शादी के लिए, सब बंद हो जाएगा। आप उसी खेत से, जिस खेत में 1 एकड़ में जितने बोरा गेहूं होते थे, उससे 5 गुना पैदा होगा। नए उपकरण होंगे, नई नीति होगी, और चाहे कितना भी कोई लिखवा ले, किसान का खेत ना खरीदा जा सकता, ना बेचा जा सकता है, ये कानून है। आप लिखवा लिए, कुछ भी लिखा पढ़ी कर लीजिए, इसलिए किसान सेफ है। MSP में जो गिद्धों की तरह किसान को आते ही चूसने लगते हैं, वो बंद हो गया। कपड़ा आप कहीं बेच सकते, दवाई कहीं बेच सकते, लेकिन अन्न आपको बेचने मंडी ही आना पड़ेगा। क्यों?
कि मंडी के गिद्ध उसको खा लें, उसके बिचे हुए उसको लूट लें बिचौलिए, ये आप चाहते हैं? हम नहीं होने देंगे। ये कृषि बिल होके रहेगा, आप फिर नोट कर लीजिएगा, 85% गरीब किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है आज, के बिचौलिए और जितने जितने वहां के दलाल हैं जो उनको चूसते थे वही खाली ये आंदोलन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी खालिस्तानी निकले, देश के खिलाफ नारे लगाने वाले निकले, रेप करने वाले किसान पकड़े गए, झंडे को उखाड़ने वाले किसान पकड़े गए। बोलिए भूदेव जी। देखिए पारुल, बिल्कुल पारुल जी, ये वो लोग हैं जो सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं। चुनाव के नाम पर ये किसानों को कभी अफगानिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलेंगे, कभी ये उनको खालिस्तानी बोलेंगे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये देश के लोगों को इसीलिए गाड़ी से कुचलते हो आप लोग। आप बीच में मत बोलना, मैं शांति से सुन रहा था। आप बीच में मत बोलना। देश के हमने कहा था किसान को आप खालिस्तानी बोलते हो, नहीं शर्म नहीं आती आप लोगों को? देश के अन्न दाता किसान को खालिस्तानी बोलते हो? अरे अगर खालिस्तानी है तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है आपकी? नहीं, आपकी होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? आप लोगों ने पहले यूनिवर्सिटियों को बदनाम करने का काम किया। भूदेव जी, अगर सरकार किसानों के लिए कुछ करेगी, हटाने की कोशिश करेगी, तो आप जैसी पार्टियां वहां पर खड़ी हो जाएंगी, फिर कहेंगे कि सरकार देखिए क्या कर रही है। नहीं, हमारी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, नहीं हमारी जैसी पार्टियां कैसे खड़ी हो जाएंगी? देश का अन्नदाता किसान जो पूरे देश में, तो विपक्ष का काम है देश के लोगों की आवाज उठाना। हम देश के लोगों को अगर परेशानी है तो उसकी आवाज उठाएंगे, लेकिन ये लोगों को खालिस्तानी नहीं बोलेंगे। उसकी भी आवाज तो नहीं उठाएंगे ना, उसकी आवाज तो नहीं बनेंगे जो गलत कर रहा है। गलत की कोई आवाज नहीं उठाता है विपक्ष में। और सुनिए, जब किसानों की आवाज उठाने के लिए ही आड़वाड़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद में जाते थे, 10 पैसे अगर महंगाई बढ़ती थी तो ये सड़कों पे पैदल निकल जाते थे। सुन लीजिए पूरी बात, बीच में मत बोलिए आप, मैं भी नहीं बोला था, आप शांत रहिए सुनिए। पूरे देश का आम आम आदमी की चप्पलें तक उतार ली, उड़ना तो छोड़िए, चप्पलें तक उतार ली आपने सपने झूठे दिखा करके। आप लोगों ने इस देश को अपने छोटे पड़ोसी देशों से पीछे ढकेल दिया, और अब आपको शर्म नहीं आती है? अगर देश का विद्यार्थी आतंकवादी है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो, केवल गुमराह करते हो। देश नेशनल मीडिया पे आकर के आप झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करने का काम करते हो। अगर किसान अगर खालिस्तानी है तो आपकी सरकार क्या कर रही है वहां? आपके पास आपका गृह मंत्रालय है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? या मीडिया पे आकर के आप इस तरह की झूठी बातें बोल करके इस देश को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हो? आपने देश के लोगों के गले से खाना छीन लिया, महंगाई आज अपने चरम स्तर पर पहुंच गई, तेल 200 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल भरते हैं इनके नेता बोलते हैं कि देश के 96% लोगों को पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। अरे कहां कहां से नेता आते हैं, इनको यही नहीं पता है कि देश की जनता कहां रहती है? अरे देश की जनता भूखा मरने के लिए परेशान है, किसान अपनी फसल को अपनी मेहनत को मंडियों में लाकर के जलाने के लिए परेशान हो रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि वो कि किसान परेशान नहीं है, किसान वो खालिस्तानी है। शर्म किया करो, इस देश के लोगों को बांटने का काम मत करो। जैसे जैसे चुनाव आते हैं आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो, आप लोगों का कोई योगदान नहीं है इस देश को बनाने में। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपने खून पसीने से बनाया है, इसको आजादी दिलाई है, और खून पसीने से बना करके हम इसके लोकतंत्र को, इसके संविधान को हम बचाने का काम करते रहेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, जनता भी जान चुकी है। जी, जितनी बातें अभी आपने कही इससे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने इतने साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ जो किया है अभी तक देश में कांग्रेस ने ही किया है। चलिए विजय जी, कुछ भी नहीं किया है बीजेपी के अलावा इन्होंने। चलिए ठीक है भूदेव जी, एक नया संस्थान नहीं बनाया भूदेव जी, ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी विजय जी मैं। देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि आम जनता भी परेशान है, जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, और किसान भी परेशान है क्योंकि किसानों की फसल भी समय काफ़ी बर्बाद हो रही है, ये आपको भी पता होगा। देखिए बेरोजगारी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नहीं है। कोरोना के कारण फैक्ट्री बंद रही, कोरोना के कारण प्रोडक्शन बंद हो गया,
गुस्सा हमें लोगों की जान बचाने। ये कोरोना से पहले बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी, अर्थव्यवस्था भी 2018 में 19 में पीछे चली। नहीं झूठी झूठे आंकड़े नहीं देंगे पारुल जी, ये झूठ नहीं बोलेंगे पारुल जी, झूठे आंकड़े नहीं देंगे। आप अपनी बात रखिएगा, बोलिए विजय जी। अच्छा दूसरी बात यह है, आपको मालूम है जैसे एटीएम चालू हुआ बैंक में, तो बैंक से एम्प्लॉइज कम हो गए, ट्रेन में ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। इसीलिए ये जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं उसके कई कारण हैं, और मुख्य कारण है कोरोना। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को अगर आप कंपेयर करेंगे विश्व के अमेरिका से जैसे कंट्री से, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में एम्प्लॉयमेंट के मामले में। एक बात है बेरोजगारी और जो अनएम्प्लॉयमेंट की बार बार बात, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। अभी आप देख लीजिए 9 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इसी में कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी और लाखों लोगों को काम धंधा मिल जाएगा वहीं पर ही। कितनी दवाइयां फैक्ट्रीज को काम मिल जाएगा, एम्प्लॉयज को काम मिल जाएगा। तो 30 किलोमीटर रोज हम बनाते हैं नेशनल हाईवे, ये बनाते थे 7 किलोमीटर, हम 30 किलोमीटर, कितने लोगों को काम मिल रहा है इससे, मजदूरों काम मिल रहा है, सप्लाई टेक्सटाइल दुनिया भर का काम है इसके अंदर, क्रशर वगैरह को। तो ये इनका कहना, जब आप कंपेयर करेंगे महंगाई की भी बात आप कर रहे हैं, महंगाई का भी कारण है, हमने बताया प्रोडक्शन कम हो गया है और तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से हमारी कंट्रोल होती है, वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बढ़ा है, पाकिस्तान से लेकर हर देश में अमेरिका में सब जगह उसकी प्राइसेस बढ़ी है। और ये काम मनमोहन सिंह जी माननीय जी करके गए थे, ये हमारी सरकार ने नहीं हुआ, ये एक्सेप्ट किया था मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, उस ट्रीटी के मुताबिक हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बने हुए हैं, ये बात हमारे हाथ में नहीं है अब इस समय। उसके बावजूद भी उसके प्रयास किए जा रहे हैं, हमने नया तेल भी निकाल लिया जो 70 साल में नहीं निकाल पाए, जो हम अपना देसी घास से पैदा करेंगे, उससे हवाई जहाज चला के निकाल दिया दिल्ली से देहरादून। भूदेव जी आप सुन रहे हैं क्या विजय जी जो बोल रहे हैं अभी? विजय जी बोलिए, शायद भूदेव जी तक आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही है। पारुल जी दोबारा से बुलवाइए, मेरे को आवाज अब आई है क्लियर। विजय जी आप अपनी बात रखिए। अभी 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 राहुल गए, विजय जी की आवाज नहीं आ रही है। विजय जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभी ये कृषि के बारे में जो बोल रहे थे, क्या ये आपके सामने ये प्रमाण नहीं है आपके सामने, क्या लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए थे? क्या लोगों ने अपनी डिमांड में माओसिस्ट को छोड़ने की बात नहीं कही? क्या लाल किले के अंदर झंडा नहीं फाड़ा गया था? क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर को कुचलने की कोशिश नहीं की गई थी? ट्रैक्टर से कैसे जान बचा के पुलिस वाले भागे थे? क्या महिला ने रिपोर्ट नहीं कराई रेप की? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ ये बातें जी? सारा आपके सामने है, फिर भी ये बेशर्मी की तरह डटे हुए हैं। आश्चर्य की बात है, ये बेशर्मी की तरह डटे हुए और हमसे कह रहे हैं जी डटे हुए हैं अपनी बात पर, होने दो रेप। ठीक है विजय जी, आप भूदेव जी आप दोनों के पास मैं आऊंगी। इस बीच हमारे साथ आम आदमी से प्रवक्ता काजरी इमरान लतीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, आपसे जानना चाहूंगी इस समय पूरे यूपी में माहौल काफी गर्म है, चुनावी है, आम आदमी पार्टी क्या कुछ करना चाह रही है यूपी में, किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी? देखिए आम आदमी पार्टी पहले दिन से एक बात कह रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से हम लोगों ने काम करके दिखाया है, एक बेस्ट गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली के अंदर हमने दिया है, दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जातिवाद में उलझी हुई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो धर्म में उलझी हुई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अपराध और बाहुबल के जकड़न में जकड़ी हुई है, उसको हम मुद्दों की तरफ लाने का काम करेंगे जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, तब हम देख रहे हैं कि लोग स्कूलों की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां अस्पतालों की बात कर रही हैं, दूसरी पार्टियां बिजली की बात कर रही हैं जी। आज आम आदमी पार्टी ने अपना पहले वादे की घोषणा किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, 24 घंटे चाहे गाँव हो चाहे शहर हो वहाँ बिजली की सप्लाई देंगे।
किसानों के लिए बिजली मुफ्त में देंगे और जो भी बकाया है बिजली के बिल का उसको माफ़ किया जाएगा। तो इस तरह से हम बुनियादी जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, जो सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको हम राजनीति के केंद्र में लाने का काम। लेकिन क्या फ्री बिजली दे देने से यूपी की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी? आपको लगता है कि जिस तर्ज पर आप दिल्ली में अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, उसी तर्ज पर आप यूपी में भी आसानी से सरकार बना लेंगे? देखिए, जनता को सहूलियतें चाहिए। सरकार क्या होती है? सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था होती है। सरकार का काम ही होता है कि जनता का जो जीवन है उसको आसान बनाया जाए अपनी योजनाओं के तहत। दूसरी बात, जहां तक जो उत्तर प्रदेश की अन्य समस्याएं हैं, बिजली एक समस्या थी, ये हमारा पहला वादा था। इसी तरीके से रोजगार के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में हम बेहतर काम करने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस वजह से चौपट रहती है क्योंकि यहाँ पर माफियाओं का, नेताओं का और पुलिस का गठजोड़ चलता है। इस अवैध गठजोड़ को खत्म करके सही है क्या? दिल्ली में जो कानून व्यवस्था का मामला है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आप अच्छे से इस बात को जानती हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं आती है। इस वजह से कानून व्यवस्था का पूरा मामला वहाँ गृह मंत्रालय ठीक है, लेकिन गवर्न कुछ करता जिम्मेदारी है, तो आपकी है। भी बनती होगी ना, कुछ जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की भी बनती है। निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी बनती है उसके लिए आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम करके दिखाया है। हमने पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरों का जाल फैलाया है। हमने जो है प्राइवेट मार्शल्स तैनात किए हैं वहाँ सरकारी बसों के अंदर। हमने गलियों में जो है मार्शल्स तैनात किए हैं। तो जितना बेहतर हम कर सकते थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उतना वहाँ पर करके दिखाया जा चुका है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमको पूरी कानून व्यवस्था चलाने का मौका मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं का, पुलिस का और नेताओं का अवैध गठजोड़ चलता है जिसकी वजह से अपराध फैलता फूलता है पूरे प्रदेश के अंदर, उस अवैध गठजोड़ को खत्म करके, समाप्त करके आम आदमी पार्टी यहाँ पर कानून का राज बहाल करने का काम करेगी और जंगल राज को खत्म करने का काम करेगी। कुल मिला के आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पर सीधे काम करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिजूल के मुद्दों से हटाकर मूल मुद्दों की तरफ लाने का काम आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की करेगी। आज अयोध्या के दौरे पर है केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से एक आरोप लगाया गया है बीजेपी पर कि बीजेपी उन पर हमला करने की तैयारी में है केजरीवाल पर। देखिए, निश्चित रूप से जब से आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में आई है, तब से सबसे ज्यादा अगर बौखलाहट किसी पार्टी के अंदर देखी गई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा रही है। और क्योंकि इनको बेनकाब करने का काम, इनको नंगा करने का काम आम आदमी पार्टी लगातार करती आ रही है। इन्होंने जो है हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाई, लेकिन इस सच को सामने लाने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया कि जो लोग हिंदुत्व का दम भरते फिरते थे, उन्होंने ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर चंदे में चोरी करने का काम किया, चंदा चोरी करने का काम किया। उन्होंने भगवान राम के जमीन में अवैध खरीद फरोख्त करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया। ये लोग कुंभ में घोटाला करते हैं, ये लोग कोरोना के समय में घोटाला करते हैं, ये लोग राम मंदिर में घोटाला करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो हिंदुत्व सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है, राम मंदिर इनका चुनावी एजेंडा है। इनको राम, भगवान राम में कोई आस्था नहीं है, इनको हिंदुत्व में कोई आस्था नहीं, इनको मंदिर में कोई आस्था नहीं, इनको कुंभ के पावन मेले में कोई आस्था नहीं। इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और वहां से जो है भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने हैं, बाकी इनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। इस सच को आम आदमी पार्टी ने बेनकाब करने का काम किया, इस सच को सामने लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इमरान जी ठीक है, विजय जी आपने सुना होगा किस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें इमरान जी ने अभी कही कि हिंदुओं को लेकर कोई भी बीजेपी पूरी तरह से कोई मतलब नहीं है, आस्था में बीजेपी का कोई विश्वास नहीं है, क्या कहेंगे आप? हिंदू मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं है, ये सोच इनकी हो हिंदू और मुसलमानों को लाना ढिकाना। हमारा एक ही बात का एक ही कहना है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी भारतीय हो किसी धर्म का हो, उसे एक ही तराजू पर तोला जाए, उसे समकक्ष रखा जाए। जो पिछले 60 साल में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, तो मुसलमानों को तरजीह दी गई है। यहाँ तक मनमोहन सिंह जी ने कहा कि स्रोतों के ऊपर उनका पहला हक है जी, का हक पहले है। तो आप ये बताइएगा क्या ऐसा हो सकता है? मदरसों को आप इमदाद देंगे, जैनियों के स्कूल को नहीं देंगे, बुद्धिस्ट स्कूलों को नहीं देंगे, हिंदुओं को नहीं, मदरसों को दोनों, इसका कोई कारण बता सकता है? नहीं बता सकता। मस्जिदों के ऊपर सरकार का कभी कोई नुमाइंदा ना बैठा है,
ना कोई उनके चंदा या ना उनका कोई दान दक्षिणा, किसी पर कोई कंट्रोल सरकार नहीं है, लेकिन मंदिरों के ऊपर तुरंत कस्टोडियन बैठ जाता है। तो ये सब हम लोगों को जल्दी समझने जब निकालना पड़ता है हिंदुओं को, तो 17 समस्याएं होती हैं, कभी दंगा, कभी पत्थर, ये सब बंद हो गया। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बड़े आसानी के साथ धार्मिक जुलूस निकले हैं, कोई समस्या नहीं। वो दंगे कहाँ चले गए जो समाजवादी पार्टी के राज्य में उत्तर प्रदेश में कहाँ नहीं हुए? लखनऊ हो, कानपुर हो, कहीं भी दंगा होते ही रहते थे, वहाँ गोरखपुर हो, मैं कह रहा हूँ ये सब बंद हो गया है। तो हमारा कहना सिर्फ ये था, ठीक है, दोनों धर्म या सभी धर्म बराबर से रखे जाएं। अब मंदिर है, आपने नहीं बनने दिया, एक कांग्रेस अभी आएंगे, अभी बीच में बड़बड़ ना करें, बाद में बोल रहे हैं, तो अभी आप बताइए। नहीं, आप बोलिए, आप बड़बड़ करते हो, मैं बड़बड़ नहीं करता हूं विजय जी, बड़बड़ आप करते हो। भूदेव जी, नहीं, मैं इतनी देर से शांति से सुन रहा हूँ, लेकिन इनपे इनकी जो चीजें, मैं इनके जवाब बाद में दूंगा, लेकिन ये इनका बोलना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक है, आप जो झूठ बोलते हो इसका जवाब देता हूँ मैं। अभी सडनली इनको क्या क्या बुखार चढ़ गया कि अभी अब प्रियंका गांधी पहले मंदिर से शुरुआत करती हैं, अभी क्या बुखार चढ़ गया कि राज बब्बर नहीं, मंदिरों में केवल आप ही जाओगे क्या? नहीं, मंदिरों में केवल आपका ही अधिकार है क्या? कन्याओं को भोज कराया उत्तर प्रदेश की कमेटी में? पारुल जी, मुझे बोलने का मौका दो, आपके पास ही आऊंगी। नहीं, ये देश को गुमराह करते हैं, ये आप अपनी बात रखिए, झूठ बोल करके हो रहा था, आप अपनी बात को दूर न करें, अन्याय होने दे हिंदुओं के ऊपर। आप तो अब जाकर भारतीय जनता पार्टी की नकल करने से बैठने लग गए। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को अभी उजागर करूंगा, आप अपनी बात खत्म कीजिए, आपका जो दोहरा चरित्र है इसको अभी मैं उजागर करूंगा। आप चाहते हैं हिंदू जुलूस न निकाले, विजय जी, नहीं, अभी मैं उजागर करूंगा आपके चरित्र को, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए पहले। हमारा तो सिर्फ ये कहना है, कोई भी धर्म का हो, जो भारतीय है वो स्वतंत्र है अपने धर्म के लिए। वोटों की खातिर हिंदुओं के साथ जो 60 साल अन्याय किया है, उस अन्याय को दूर करना होगा। हिंदू भी समकक्ष होंगे, माइनॉरिटी वोट्स के लिए आप हिंदुओं को सता नहीं सकेंगे, हिंदू धर्म को दबा नहीं सकेंगे। चलिए, ठीक है विजय जी, पारुल जी, पारुल जी, पारुल जी, जब प्रमाण मिल गए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मंदिर, तभी तक भी ये विरोध करते रहे और अभी तक भी करते रहे। अब इनको शांत कीजिए पारुल जी, अब इनको शांत कीजिए। विजय जी, आपकी बात सुन ली, अब भूदेव जी की बात। पारुल जी बोलिए, ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे ही चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टियों को हिंदुओं की याद आती है। जिस देश में गाय, हिंदू और गंगा के नाम पर मॉब लिंचिंग करके हजारों लोगों को मार दिया जाता है, कांग्रेस को। पारुल जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस देश के भले के लिए काम करती रही है, इस देश के लोगों के लिए काम करती रही है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब लोग बराबर है। लेकिन जो हिंदुओं की जो याद आती है वो भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव के समय में आती है। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करके पुलिस वाले रात को 12 बजे उसे चला देते हैं, वो हिंदू नहीं था। एक होटल में एक व्यापारी को इनके पुलिस के गुंडे जाकर के मार देते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? और जिस देश में गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, हजारों लोगों को मार दिया जाता है, वोट में इलेक्शन के समय उसको मुद्दा बनाया जाता है, आज वो देश पूरे विश्व में बीफ के निर्यात में पहले नंबर पर है। बिना सरकार की पॉलिसी के क्या हम पूरे विश्व में बीफ के निर्यात में पहले नंबर पर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। और जिस गंगा की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का ये बजट पास करते हैं, वो आज तक गंगा को ये साफ नहीं कर पाए। जिस गंगा के नाम पर ये वोट मांगते हैं, उसकी कभी ये सफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा है पारुल जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे ही वोट इलेक्शन का टाइम आता है, ये केवल लोगों को बांटने का काम करेंगे। इनकी एक दो सहायक पार्टियां हैं जो मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे, ये इधर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करेंगे और ये वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश का लोग, उत्तर प्रदेश के जो वहां के लोग हैं वो परेशान है, वहां का युवा, वहां का किसान जो परेशान है, जिसकी वजह से वो आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है, इससे ये बौखलाए हुए हैं कि प्रियंका गांधी मंदिर गई, प्रियंका गांधी वहां गई। अरे मंदिरों पर इनका अधिकार है क्या? क्या अब कानपुर से हमें ये प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है? इस देश को बनाने में कांग्रेस का हाथ है विजय जी, आप लोगों का 1% योगदान नहीं है इस देश में। आप लोग केवल माफीनामा वाले लोग हैं, आप लोग वो लोग हैं जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मारना चाहते हैं।
लेकिन महात्मा गांधी जी की विचारधारा इस देश में रहेगी, उसी विचारधारा से ये देश चलेगा। आप चाहे बंद कमरे में उनको कितनी भी गोली दीजिए, लेकिन 2 अक्टूबर को आपको सर महात्मा गांधी जी के सामने ही झुकाना पड़ेगा और ये देश उनके विचारों से चलेगा, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। चलिए ठीक है भूदेव जी, ठीक है। इमरान जी आपके पास आना चाहूंगी, आप भी अभी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए अभी जिस तरीके से तमाम तरह के इल्जाम लगाए गए, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है, धर्म की राजनीति कौन करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने की राजनीति कौन करता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मूल मुद्दों की राजनीति नहीं कर सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकती है, आम जनमानस को सहूलियत पहुंचाने का काम नहीं कर सकती है, इस वजह से ये नफरत का सहारा लेते हैं, ये ध्रुवीकरण का सहारा लेते हैं, ये सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, ये धार्मिक उन्माद का सहारा लेते हैं, ये धार्मिक उकसाववाद का सहारा लेते हैं अपने एजेंडों को स्थापित करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुत्व को, मंदिर को, हिंदू धर्म को अपना कॉपीराइट समझ दिया है, भगवान राम को अपना कॉपीराइट समझ दिया है। अरे भगवान राम सबके हैं, भगवान राम जैसा चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है। नहीं, और ऐसा आज तो अगर आम आदमी पार्टी ने कहीं कुछ कहा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर आज भगवान राम का नाम नहीं लेगी तो कौन लेगी? जिस पार्टी ने दिल्ली के अंदर राम राज को स्थापित करने का काम किया हो, जिस पार्टी ने दिल्ली के अंदर राम राज के पैटर्न पे सरकार चलाने का काम किया हो, सबसे पहला हक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का उस पार्टी पे है। उस पार्टी को सबसे ज्यादा हक है भगवान राम पर, क्योंकि हमने उस आदर्श पे चल के दिखाया है। राम राज के जो आदर्श हैं उस पे अगर किसी पार्टी ने काम करने का काम किया है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है। जनता को खुशहाल करने का काम अगर देश की कोई इकलौती सरकार कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर कर रही है। हमने फ्री में बिजली दिया, हमने फ्री में पानी दिया, हमने विश्व स्तरीय स्कूल बनाया जिसमें फ्री में शिक्षा दिया, हमने मुफ्त में इलाज दे रहे हैं विश्व स्तरीय अस्पतालों में, हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं जिससे गली गली में इलाज हो रहा है, हमने महिलाओं की बस यात्रा फ्री की है, महिलाओं को दिल्ली में सशक्तिकरण प्रदान करने का काम किया। परेशानी नहीं है क्या अभी, जिस तरह से आप बता रहे हैं राज्य किया गया? राज्य सरकार की तरफ से जितनी व्यवस्थाएं, जितनी सुविधाएं, जितनी सहूलियतें दी जा सकती थी आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया है। इमरान जी क्यों लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आती हैं पानी के लिए? देखिए पानी जहां 70 सालों में दिल्ली के अंदर नहीं पहुंचा था वहां पर आम आदमी पार्टी ने पहुंचाने का काम किया है। पानी की कोई इस तरह की समस्या नहीं है, फौरी तौर पे कोई समस्या आती है तो उसका समाधान इमरान जी यानी कि कहीं और की तस्वीरें होती होंगी और उसे दिल्ली की तस्वीरें कर दिखा दिया जाता होगा। बिल्कुल, कई बार इस तरह की फर्जीवाड़े को उजागर करने का काम किया है। तो फिर तो आपको आवाज उठानी चाहिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम आवाज उठाती है अगर इस तरह की गलत तस्वीरें चलती हैं तो। कई बार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन हमने देखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली से बाहर दिल्ली के कामों की वजह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हम अपनी जमीन मजबूत करते जा रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर लड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर लड़ रहे हैं, गोवा के अंदर लड़ रहे हैं और हर जगह जनता का हमें अभूतपूर्व समर्थन हासिल हो रहा है। इस वजह से क्योंकि दिल्ली में हमने एक बेहतर मॉडल का काम किया है, एक बेहतर मॉडल स्थापित करने का काम किया है डेवलपमेंट का, जिसकी वजह से लोग हमको पसंद कर रहे हैं। इमरान जी अगर अयोध्या की बात की जाए तो वहां पर संत समाज ने केजरीवाल को एक्सीडेंटल हिंदू बताया, क्योंकि कहा गया है कि जब कभी राम मंदिर का विरोध वो करते थे, वहां पर अस्पताल बनाने की मांग वो करते थे और आज वो वही अयोध्या में पहुंच रहे हैं और राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। देखिए मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही आपको दे दिया कि भगवान राम का दर्शन अगर अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, फिर पहले विरोध क्यों करते थे? फिर क्यों अस्पताल बनाने की बात करते थे? अस्पताल भी बनाने जरूरी हैं, हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल बनाकर दिखाए, लेकिन पहले क्यों बनाने भी जरूरी है? राम मंदिर बिजली 24 घंटे देना भी जरूरी है, महिलाओं को सुरक्षा देना भी जरूरी है, किसानों के लिए समृद्धि भी जरूरी है, युवाओं के लिए रोजगार भी जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री भगवान राम
का दर्शन करने नहीं आएगा, उनके मंदिर में दर्शन करने नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा? जिसने भगवान राम के पद चिन्हों पर दिल्ली के अंदर चलने का काम किया हो, नहीं, जिसने राम राज की अवधारणा को जमीन पर उतारने का काम किया हो, कोई भी जा सकता है। फिर पहले विरोध क्यों किया था अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का? अब चुनाव आ गए तो अब याद आ गई राम मंदिर की। पारुल जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि भगवान राम के पदचिन्हों पर जिसने चलने का काम किया हो, जिसने रामराज की अवधारणा को दिल्ली के अंदर जमीन पर उतारने का काम किया हो, अगर वो राम भगवान राम का दर्शन करने नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अरविंद केजरीवाल जी का सबसे पहला अधिकार बनता है भगवान राम के दर्शन के लिए, भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने उनके आदर्शों को दिल्ली की में सरकार में रहते हुए जमीन पर उतारने का काम किया है। रामराज की अवधारणा को जमीन पर उतारने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, तो सबसे पहला हक उनका बनता है अयोध्या आने का, सबसे पहला हक उनका बनता है भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने का। सबसे बड़े राम भक्त तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्योंकि जो उनके बताए आदर्शों पे चले, जो उनके रामराज को दिल्ली में उतारने का काम करे, जिसका ये सपना है कि पूरे देश के अंदर हम रामराज स्थापित करेंगे, तो सबसे पहला हक तो वही उसी का बनता है, सबसे बड़ा राम भक्त तो वही है। और इन फर्जी राम भक्तों को, इन फर्जी राम भक्तों को आईना दिखाने का काम भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी लगातार कर रहे हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाहट रहती है, क्योंकि ये लोग छद्म हिंदुत्व का काम करते हैं, ये लोग छद्म राष्ट्रवाद पर चलने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी जो है असल राष्ट्रवाद को फॉलो करने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी सही अर्थों में राष्ट्रवाद का जो परिकल्पना है उस पर काम करने वाली पार्टी, जो दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है, पूरे देश के अंदर हम करके दिखाएंगे। हम मुद्दों की राजनीति को केंद्र में लाने का काम। इमरान जी, ठीक है। विजय जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए ठीक है, विजय जी से संपर्क हमारा टूट गया है। भूदेव जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं, ये हर कोई जान गया है, और इस समय चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी जिस तरह से खड़ी हैं और महिलाओं के लिए वादे की बौछार कर रही हैं, दावे कर रही हैं कि महिलाओं को ये दिया जाएगा, महिलाओं को वो दिया जाएगा, लेकिन क्या प्रियंका गांधी की लिस्ट में कोई महिला चेहरा है मुख्यमंत्री पद के लिए? पारुल जी, देखिए, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये तो अब क्लियर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जिससे सारी पार्टियां बौखला गई हैं जी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित नहीं करती है। वहां के विधायक जो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ये अधिकार वहां के विधायकों को है कि अपने विधायक दल का नेता चुने जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। और आपने कहा कि केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए थोड़े अधिक अधिकार देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार आज महिलाएं वहां डर के माहौल में जी रही हैं, जो आज एक बेखौफ होकर के जी सके जब उनको अधिकार मिले, जब वो हर शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी निभा सके, जिससे दूसरी महिलाओं को भी अपने सुरक्षा की एक सेफ्टी नजर आए, तो इसलिए महिलाओं के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम प्रियंका गांधी कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी घोषणाएं की जा रही है, वहां के लोगों को जो उपचार से, शिक्षा से जो वंचित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा के द्वारा किया गया, 1970 के बाद जो उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम जिन पार्टियों के द्वारा किया गया है, तो उसको सुधारने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और हम पूरे निश्चित तौर पर एक नया उत्तर प्रदेश बना करके लेकर के आएंगे। इस चुनावी वादे के साथ हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, क्योंकि हम न तो लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, न धर्म की, न जाति की, न ही किसी वर्ग की, वर्ग विशेष की। और जैसे आज आप देख रहे हो, सपा हो, बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सपा की सरकार में एक जाति विशेष के लिए काम किया गया जो पूरे देश से नहीं छुपा है, जाति के नाम पर लोगों को बांटा गया। भारतीय जनता पार्टी में भी एक जाति विशेष के लिए काम किया गया, इसीलिए आज इनको ब्राह्मण सम्मेलन और अभी देखना दूसरे सम्मेलन भी इनको करने की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे चुनाव आएंगे। धर्म के नाम पर तो ये बांटने का काम करते ही रहे हैं, लेकिन अब ये जाति के नाम पर और इसको वर्गों के नाम पर भी बांटने का काम करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जाट और नॉन जाट में बांटने का काम किया, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोट बहुत कम था इसलिए, और ऐसे ही अभी ये उत्तर प्रदेश में बांटने का काम करेंगे। अभी ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, अभी ठाकुर सम्मेलन भी होंगे और दूसरी जातियों के सम्मेलन भी ये करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो पार्टी केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे, तो सभी पार्टियां नहीं कर रही हैं, अभी सभी पार्टियां कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का सम्मेलन नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल वहां के मुद्दों को लेकर के
वहां के जो युवा है जो बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, जिनके अधिकारों को छीना गया है, जिनमें आज लाठियां देकर के इनको भगाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां कांग्रेस पर भी आरोप यही लगता रहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों को साथ लेकर आगे बढ़ती है, सिर्फ आरोप आरोप पर मैं वही पारुल जी आपको बताने का काम किया कि 1970 से पहले जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य हुआ करता था, 1970 के बाद सपा बसपा और बीजेपी ने वहां के लोगों को यह डर दिखाया, हिंदुओं को मुस्लिमों का पाकिस्तान का डर दिखाया गया, मुस्लिमों को हिंदुओं का डर दिखा करके ध्रुवीकरण की राजनीति की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रहना मंजूर किया, देश को बांटने का काम मंजूर नहीं किया। और हम लोग अभी भी और पहले भी आरोप कोई भी लगा सकता है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम लोग केवल वहां के युवाओं को रोजगार देना, वहां के किसानों के जो मुद्दे हैं, जो आज किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है उनका साथ देना, वहां के मजदूरों के लिए, वहां के गरीब दलितों के लिए उनकी आवाज बनना, क्योंकि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज फैल चुका है उसके लिए आज पूरे देश में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही आवाज उठा रही है, न तो वह सपा उठा रही, न वह आप उठा रही, न बसपा उठा रही, जिस तरह से वहां के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है, ये बौखला गए और ये बौखला चुनाव के बाद साफ नजर आएगी। भूदेव जी, प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं की आवाज बन रही है, महिलाओं के हक की बात कर रही है, तो महाराजगंज में एक अभी हादसा हुआ है जहां पर एक बच्ची के साथ बर्बरता की गई है, शायद प्रियंका गांधी को वो नहीं पता, क्योंकि ना तो प्रियंका गांधी ने अब तक इस घटना को लेकर ट्वीट किया है, ना ही वो जाने की जिद कर रही है। दलित वो बच्ची है जिसके साथ महाराजगंज में बर्बरता की गई है, सामूहिक दुष्कर्म बच्ची के साथ हुआ है, शायद नहीं पता प्रियंका गांधी को, अभी महिलाओं की तो बात करती है। पारुल जी, मैं आज उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं की हक की आवाज, दलितों की हक की आवाज, बेरोजगार युवाओं के, किसानों की आवाज उठा रही हैं, अगर वो अभी नहीं गई हैं तो जाएंगी, निश्चित रूप पर जाएंगी, या तो उनको अभी पता नहीं होगा, मैं बताता हूं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हर जगह जो धारा 144 लागू कर दी जाती है प्रियंका गांधी के जाने से पहले, तो ये हालत किस लिए पैदा हुए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी वहां जा रही है उनके अधिकारों के लिए, अगर विपक्ष अगर वहां नहीं जाएगा तो उनको उनको तो रात को 12 बजे जला दिया जाएगा, जैसे हाथरस में जला दिया गया। फिर ये हिंदुओं की और बात करते हैं, क्या दलित हिंदुओं में नहीं आते हैं क्या? ठीक है विजय जी, अगर ये घटना अगर हुई है तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्या कोई ये सवाल आपको विजय जी से पूछना चाहिए था कि क्या उसके लिए दूसरी महिलाओं के साथ जिस तरह से रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती ऐसा ही किया जाएगा या उसको न्याय दिया जाएगा? यह सवाल आपको विजय जी से पूछना चाहिए था। क्या हर जगह के लिए हर जगह विपक्ष जाएगा तभी उसकी उसके साथ न्याय होगा? ठीक है पारुल जी, हर जगह अगर विपक्ष बैठेगा तभी न्याय होगा। भूदेव जी, समय भी ज्यादा नहीं है, विजय जी बोलिए। इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। जयपुर में उद्योग नगर में दो औरतों का रेप हुआ, उसके बाद 9 साल और 5 साल की बच्ची का हनुमानगढ़ में, अरे रुक जा भाई, अब रुक जा, हनुमानगढ़ में रेप हुआ, उसके बाद नागौर में रेप हुआ। लेकिन अगर रेप हुआ तो उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की? और अगर आज का अखबार पढ़िए, एक महीने के अंदर हनुमानगढ़ में जो रेप किया गया था उसको एक महीने में फांसी की सजा दी गई है। आपके यहाँ तो 5 दिन 10 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, पूरे परिवार को मार दिया जाता है। हनुमानगढ़ में जो रेप किया गया था 5 दिन में उनकी फाइल पेश करके एक महीने में फांसी की सजा, फांसी की सजा दी गई है। समय नहीं है मेरे पास, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विजय जी समय नहीं है, आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, इसीलिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लोगों से वादे कर रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है, तो कोई एक दूसरे पर बयानबाजी और निशाना साधते हुए भी नजर आ रहा है, लेकिन इस बार जनता किसका साथ देगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।